क्या खबर मिला था और एक दो बार वार्निंग करने के बाद भी ये सब हो रहा है, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, आप क्या बोलना चाहते हैं? नहीं देखो, सबसे पहले मैं चूंकि भुगा रहा हूँ, उसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई मुझे ब्लेम नहीं कर सकता, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और जैसा मुझे फ़ोन आया, एक मैसेज आया, शायद आपसे ही आया कि यहाँ में बेलबारी की तरफ कुछ हो रहा है, हमारे धीरेन्द्र को कुछ हो रहा है। मैं हमेशा थानचा बोलता हूँ, ये लोग, ये कुछ गुंडे लोग जो दूसरे पार्टी से अभी टिपरा मोथा में ज्वाइन किया, वो हमारा पार्टी का नाम लेके मेरा नाम खराब करने के लिए टिपरा सबको अटैक कर रहा है। तो जैसा मुझे खबर मिला, मैं खुद गया पुलिस स्टेशन, मैंने फाइंड आउट किया कि ये कौन था ये आदमी, और उसको अभी सरेंडर भी कराया है और अभी उसको पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया है। और उसके बाद हम मैं धीरेन को लेकर यहाँ हॉस्पिटल में आया, क्योंकि उसको कान में लगा है, उसका ब्लड प्रेशर हाई है। क्योंकि मेरे, मैं दिल में इनको भी अपना टिपरा से ही समझता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा कि हम लोग अलग हैं। और ये बेवकूफ़ लोग, गुंडे लोग जो ये करते हैं, ये हमारा ही थानचा तोड़ना चाहते हैं। आज अगर इनको कोई ने अटैक किया तो इसमें भुभागरा को खुशी कैसा हो सकता है? अगर NC को कोई ने काला झंडा दिखाया तो हमको, हम कैसा खुशी होगा? जब मुझे काला झंडा दिखाया गया था मिर्ज़ा कथालिया में, यूथ IPFT लोग ने दिखाया था, तो क्या टिपरासा लोग खुश हुए थे? नहीं। तो ये सब चीज़ को ख़त्म करना है, इसके लिए मैं आया खुद। और एज अ चेयरमैन ऑफ टिपरा मैं खुद पुलिस स्टेशन गया, मेरे, मैं उनके साथ था, वो जिसने इनको ऊपर अटैक किया, इनको अरेस्ट कराया है और आज ही साथ साथ पार्टी से सस्पेंड भी किया है। मतलब जिधर को यहाँ हॉस्पिटल में लेके आया हूँ, क्योंकि मैं आई एम होपफुल दैट एक दिन हम लोग एक संग ही काम करेंगे। और इससे किसका फ़ायदा होता है? किसी का फ़ायदा नहीं होता। और बाहर के लोग हमारे ऊपर हंसते हैं, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ कोरोना के टाइम, इतना कोशिश कर रहा हूँ जो बाहर में फंसे उनको लाने के लिए। यहाँ में प्रॉब्लम है, कोरोना हो रहा है, और यहाँ में इन लोगों को राजनीति करना है, इनको गुंडागर्दी करना है। तो ये सब करा के कौन, किस लोग फायदा उठा रहा है? जो, जिस लोगों को थानचा नहीं चाहिए, जो दोफा के बारे नहीं चाहते, जिसको सिर्फ सस्ता राजनीति करना है, उसी को फायदा होता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, टिपरासा और टिपरासा को फाइट कराने के लिए पीछे कोई और रहता है, चाबी कोई और लगाता है, और हम लोग बेवकूफ़ जैसे एक दूसरे से लड़ते हैं। इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। आज मैं खुद सॉरी बोलता हूँ सबके सामने, मीडिया के सामने, क्योंकि अगर अपना टिपरासा को किसी ने अटैक किया और ये मेरा आदमी था, तो इसका मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं उसको सस्पेंड करूँ। और आपके मीडिया के थ्रू मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर टिपरा मोथा के किसी ने भी किसी को काला झंडा दिखाया, कोई टिपरासा लीडर को काला झंडा दिखाया, जितेंद्र चौधरी हो, IPFT का कोई भी लीडर हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर काला झंडा दिखाया, तो मैं उनको सस्पेंड करूंगा। ये हमारा टिपरा मोथा का सिस्टम नहीं है, कल्चर नहीं है। हम लोग गो बैक और काला झंडा नहीं वाला राजनीति नहीं करना चाहते हैं, हम लोग पॉजिटिव राजनीति करना चाहते हैं। इसके लिए आज मैंने एग्जाम्पल किया है, मैंने एग्जाम्पल बना के इनको इमिजिएटली सस्पेंड किया और अरेस्ट भी कराया। अरेस्ट तो सिर्फ एक लोग हुआ है, तो एक लोग तो अटैक नहीं किया, बहुत छोटे लोग। जब तक मेन लीडर अरेस्ट नहीं होगा, जिसने उनको ऊपर हमला, डायरेक्ट हमला किया, जब तक मेन लीडर अरेस्ट नहीं होगा, तब तक कोई इसमें सबक एग्जांपल नहीं बनेगा। ठीक, बहुत बड़ा एक्सक्यूशन है। हाँ, कल जंपी चलाना जो
काला झंडा दिखाया, उनको आपको क्या रहे अभी एक्शन क्या लेंगे? अब ये तो बोला तीन लोगों का नाम आया है, दिखाया सस्पेंड, सस्पेंड हो गया आज 4 बजे तक इसका सस्पेंड होगा। ठीक, थैंक यू। अभी आप I'll copy your friend here. No, I copy your friend here. No, you're here. This is the copy. I'll open it.